राज्य में बढ़ते चाइल्ड ट्रैफिकिंग को लेकर बाल संरक्षण आयोग की बैठक उपायुक्त कार्यालय सभागार में किया गया। इस बैठक में अहम मुद्दों पर चर्चा की गई और लोगों के बीच संवाद की कमी हो रही है, उसको कैसे दूर किया जाए, इससे भी लोगों को जागरूक किया गया। साथ ही ट्रैफिकिंग के शिकार हो रहे बच्चों को किस तरह से काउंसलिंग किया जाए, इस पर भी विशेष जोर दिया गया। डिस्ट्रिक्ट लेवल के चाइल्ड प्रोटेक्शन मैकेनिज्म को और बेहतरीन कर सकते हैं, क्या अड़चने आ रही है और क्या बेहतरीन प्रैक्टिस, जहाँ बेहतरीन प्रैक्टिस है उसको तो भी बोलना चाहिए। सिर्फ कहीं अगर कमी है तो कमी तो होती ही है, लेकिन कमी के लोग एक मतलब एक पहल भी हम लोगों ने किया था और हर जगह अलग अलग है। और क्योंकि सवाल जो अब भी बीच में आ ही रहा था कि बच्चे तो रेस्क्यू हो जाते हैं लेकिन ट्रैफिकर हैं वो रेस्क्यू नहीं होते हैं, तो इसी के लिए VLCPC को मजबूत करके बनाने के बाद उसको संवेदनशील भी करना है, एक्टिव भी करना है, और साथ ही साथ ट्रैफिकरों को भी स्केचिंग करने का काम हर जगह में दिया जा रहा है, तो यहाँ भी हम लोग स्केचिंग के लिए भी करें। और चूंकि रेलवे में कुली या शॉपकीपर या ऑटो लोग ऐसे लोग होते हैं जो कि हम पुलिस क्योंकि वर्दी में रहेंगे तो लोग पता चल जाएगा कि पुलिस हमको देख लिया, लेकिन ये ऐसे लोग हैं जो कि आपको साइलेंट वे में जाके आपको सूचना देंगे और बच्चों के साथ साथ ट्रैफिकर भी रेस्क्यू होंगे। और ये एक बेहतरीन सुझाव है क्योंकि और जगह में काम हुआ है, लोगों ने एक बेहतर रिजल्ट आया है और हम लोग चाहेंगे कि आज की मीटिंग के बाद हम लोग यहाँ रांची में के लिए भी शुरू करें। बच्चों के द्वारा हो रही चोरियों को कैसे रोका जाए, इस बारे में अध्यक्षा ने बताया कि रांची शहर में जितने जो चोरी की घटनाएं हैं और जो पकड़ में आए हैं वो नाबालिग हैं, ये चिंता का विषय है। और कहीं ना कहीं जो सोसाइटी है, सोसाइटी को भी हम लोगों को चूंकि बहुत बेहतरीन आप काम कर लीजिए लेकिन जब तक आपको समाज की तरफ से रिस्पांस नहीं मिले वो बहुत बेहतरीन रिजल्ट नहीं हो पाएगा, तो एक सोसाइटी को भी करना है। और इस आप लोगों के माध्यम से हम ये अपील ये भी करना चाहेंगे कि भाई आप लोग ऐसे कहीं कोई बच्चे मिलते हैं तो वो CWC को संबंधित थाने को जरूर सूचना करें, सूचना करके और उस परिवार को, वैसे बच्चे मिलते हैं तो उस परिवार को के लिए भी काउंसलिंग की व्यवस्था है। और ऐसे बच्चों के लिए अगर ऐसे बच्चे हैं तो उनकी क्या परिस्थिति है, उन परिस्थिति जड़ को भी जानते हुए उन बच्चों के रिहेबिलिटेशन की भी व्यवस्था।